हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था के टाइम पर बेबी बॉय ज़्यादा मूवमेंट करता है या फिर बेबी गर्ल ज़्यादा मूवमेंट करती है। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी चीज़ की होती है कि बेबी की हलचल कब आएगी, कौन सा वो टाइम होगा, कौन सा वो मंथ होगा, हमें जब पता लगेगा कि ये बच्चे की मूवमेंट है। क्योंकि जो ये मूवमेंट वाला चैप्टर होता है ना, ये एकदम से फील नहीं होता, खासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई महिलाओं को फेस करने में या उसको फील करने में कि ये बच्चे की ही मूवमेंट है। क्योंकि उस टाइम पर बच्चे की जो मूवमेंट होती है ना, माँ को एक्सपीरियंस नहीं होता। इवन सेकंड अगर प्रेगनेंसी होती है तो बहुत जल्दी माँ को फील होना शुरू हो जाता है कि बच्चे की ही ये मूवमेंट है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। अब कैसे पता लगेगा और कौन से महीने में बच्चे की हलचल आना शुरू होती है, तो उसे हेल्दी प्रेगनेंसी बोला जाता है। साइंस तो बोलती है कि 4.5 मंथ हो जाते हैं जब, तो आपको बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगी। ये जो मूवमेंट होगी आपको गैस के बबल्स की तरह होगी, गुदगुदी की तरह होगी, या फिर आपको ऐसा लगेगा पेट में मेरे कुछ चल रहा है, तो ये बेबी की ही हलचल होती है। बेबी हलचल कब करता है? जब बच्चे का वेट अच्छे से गेन हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तब आपको हलचल अच्छे से महसूस होती है। इसके साथ साथ डिपेंड करता है पानी की थैली के अंदर पानी कितना है, जिसे बोला जाता है एमनियोटिक फूड, वो कितना है। क्योंकि बच्चा पानी की थैली के अंदर होता है और उसी के अंदर वो तैरता है, तो अगर पानी की थैली के अंदर पानी भरपूर मात्रा में है, कम नहीं है, तो बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर लेगा। अगर उस पानी की थैली के अंदर पानी कम होगा तो बच्चे को थोड़ा सा मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होगी और उस टाइम पे मदर को बहुत कम मूवमेंट फील होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप सबको इस वीडियो में उस सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ठीक है। तो देखिए, 4.5 मंथ होने के बाद आपको हल्की हल्की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। कई मदर्स को ऐसा भी देखा है कि 3rd महीने या 4th महीना स्टार्ट होने पर मूवमेंट होना शुरू हो गई है। बहुत रेयर है ये। बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करती है कि मैम हमें मूवमेंट फील ही नहीं हो रही है, 5वां महीना स्टार्ट हो गया, 6ठा महीना स्टार्ट हो गया। तो वो होता क्या है, उन मदर्स को ना बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है स्टार्टिंग के डेज में। अब जितना भी आप खाना खाते हो, जो भी आप खाना खाते हो, उसी से बच्चा बड़ा होता है, उसी के सारे हेल्दी न्यूट्रिशन बेबी को पहुंचते हैं। अब स्टार्टिंग के डेज में 80% महिलाओं को वॉमिटिंग नौजिया रहता है, तो खाने पीना डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होती है। खाना पीना डाइजेस्ट नहीं होगा तो बच्चा कैसे हेल्दी होगा, वेट गेन कैसे होगा? उस टाइम पे क्या होता है, वेट लॉस होता है, गेन तो नहीं होता, वेट लॉस हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या होता है, बेबी की भी जो हेल्दी है बेबी उतना हेल्दी नहीं हो पाता और ना ही उतना वो बड़ा हो पाता है, जिससे आपको मूवमेंट थोड़ा लेट फील होती है। अब उन मदर्स की बात करें जिन्हें वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं होती, अच्छे से खाना पीना डाइजेस्ट हो जाता है, 20% ऐसी महिलाएं होती ना जिन्हें बिल्कुल वॉमिटिंग नौजिया नहीं होता, खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उन्हें फील ही नहीं होता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ स्टार्टिंग के दौर में। क्योंकि जब वॉमिटिंग होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर खासकर बहुत ज़्यादा वो उचाव और चढ़ाव का वो पड़ाव होता है प्रेगनेंसी का। क्योंकि खाने पीने से स्मेल आना, जब भी कुछ खाते हो निकल जाता है सारा, पानी पीते हो वो भी निकल जाता है, तो उस टाइम पे वेट कैसे बढ़ेगा? आपका बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा, ना ही बच्चा बड़ा होगा, वो बेबी उस टाइम पे थोड़ा सा वीक होगा। वहीं जो मदर अच्छे से खाना पीना खा लेती हैं, अच्छे से सारा डाइजेशन हो रहा है खाना, वो बच्चे बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं। क्योंकि बच्चा धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है, सो स्टार्टिंग से ही देखिए, अगर आप पेड़ लगाते हो, आप उसे अच्छे से सारे पानी दे रहे हो, अच्छी सी धूप आ रही है, तो बहुत जल्दी बड़ा होगा। वहीं एक पेड़ आप छांव में रख के उसे पानी दे रहे हो, वो बहुत धीरे से बढ़ेगा, ठीक है। तो यही एक फ़र्क होता है, अच्छे से खाना पीना जिसको पच जाता है वो जल्दी से बच्चा किक करता है, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, वेट गेन हो चुका है। जब बच्चे का वेट गेन होगा, अच्छे से उसको ताकत मिलेगी, तभी वो हाथ पैर हिला सकता है, मुट्ठी बंद कर सकता है, मुट्ठी खोल सकता है, तभी एक्टिविटी पेट में कर सकता है। अगर वो वीक होगा तो उसे टाइम लगेगा एक्टिविटी करने में, तो डिपेंड यही करता है। अब मोस्टली महिलाओं का कहना ये होता है कि 5वां महीना स्टार्ट हो गया, मैम हलचल नहीं आई, तो ये नॉर्मल होता है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। 5वां महीना स्टार्ट हो गया, हलचल नहीं आ रही, थोड़ा वेट करें, 5.5 महीने के आपको हलचल आ जाती है। कई महिलाओं को 6ठे महीने आना शुरू होती है, खासकर जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। बट सेकंड प्रेगनेंसी है, आपको मूवमेंट नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछेगा कि मूवमेंट फील क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी कौन सी होती है जब बेबी मूवमेंट करता है। ऐसा बोला जाता है जब 4.5 महीने के बाद आपको मूवमेंट आ रही है और 1 घंटे के बाद, जैसे 1 घंटे के अंदर बच्चा आपको 10 बार मूवमेंट करके दिखा रहा है, जैसे जैसे किक मार रहा है या मूवमेंट कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि बच्चा अब यहाँ से गुदगुदी कर रहा है, बच्चा लेफ्ट साइड से राइट साइड गया है, तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। अब ये मत सोचिएगा कि बच्चा अगर हलचल नहीं कर रहा है तो हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपको मूवमेंट अच्छे से आ रही है, अच्छे से फील हो रही है मूवमेंट, कि बच्चा मेरा अच्छे से देखिए किक मार रहा है या पैर यहाँ पे लगा है या ऐसा लग रहा है कि राइट से लेफ्ट गया है, तो बहुत अच्छे से फील हो रहा है, यानी कि बच्चा आपका हेल्दी है।
वहीं अगर आपको मूवमेंट बहुत कम आ रही है, जैसे 2-2 घंटे में 4 से 5 बार आ रही है, 3 से 4 बार आती है, तो वो बच्चे थोड़े से मूडी होते हैं। कई बच्चों को देखिए बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद होता है, आपने देखा होगा ना, सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने वाले कूदने वाले नहीं होते। कई बच्चे बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं कि वो अपने मन के हिसाब से, अगर उन्हें मन करेगा वो खेलेंगे, मन करेगा तो वो रेस्ट करेंगे। तो कई बच्चे मूडी होते हैं, उन्हें जब मन करता है तभी वो किक करते हैं, तभी वो मूवमेंट करते हैं, तभी आपको फील होगा, तो बच्चे वो मूडी होंगे। कई बच्चे आराम करना पसंद करते हैं तो बहुत कम वो आपको किक करते हैं, बट वो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि बच्चा ही वो मूडी है, बच्चा ही कम हलचल करना पसंद करता है, बच्चे को ही एक्टिविटी करना पसंद नहीं। तो कई बच्चे आराम करना पसंद करते हैं माँ के पेट में, कई बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो ज़्यादा फील होती है हलचल। अब इन्हीं हलचल को लेके बहुत सारे मिथ हैं, तो उसी मिथ पे मैं आज बात करूँगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरी मदर कहती है कि मैम ज़्यादा हलचल करता है तो लड़की होती है, कम हलचल करता है तो लड़का होता है। तो एक बात बता दूँ, ये ओल्ड वाइस मैंने भी बहुत सुने हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आए थे जब मैं प्रेगनेंट थी कि अगर बच्चा ज़्यादा हलचल करता है तो लड़की होगी। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी डाइट पर। सबसे पहली बात, जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी ना स्टार्टिंग से, उतनी ही जल्दी बच्चा आपको हलचल करेगा और उतनी ही ज़्यादा बच्चा हलचल करता है। अगर आपकी डाइट, ऑब्वियसली बात, अगर डाइट में कुछ ना कुछ जैसे कि वॉमिटिंग है, नॉजिया, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप खाओगे क्या और बच्चे को क्या लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ होगी। तो सब कुछ जो डिपेंड है, हलचल, बच्चे की मूवमेंट, वो सब आपके डाइट पे डिपेंड है। इसीलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में अपना पूरा ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड करें, हेल्दी खाना खाएं ताकि बच्चा भी हेल्दी हो और उसका जल्दी से विकास हो। मोस्टली बच्चे विकास कर जाते हैं 4 से 5 महीने, एक ऐसा महीना होता है ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन्हें हाथ पैर हिलाने की क्षमता बढ़ जाती है, उनके अंदर मुट्ठी खोलने की क्षमता बढ़ जाती है और बच्चा वो मूव करना शुरू कर देता है, तो आपको मूवमेंट आना शुरू हो जाती है। अब कई मदर्स को मूवमेंट बिल्कुल नहीं आती, अगर आपको देखिए 2-2 घंटे में मूवमेंट आ रही है तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तब आपको डरना नहीं है। बट अगर बच्चा बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है, 6ठा महीना खत्म होने वाला है, 7वां शुरू होने वाला है, फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि 5 से 6 महीने सिर्फ आपने 5 से 5.5 महीना वेट करनी, हलचल आपको बिल्कुल नहीं आती, फिर एक रिस्की प्रॉब्लम है। क्या पता पानी की थैली के अंदर पानी कम हो, बच्चे को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम है, या बच्चा पेट में डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है जिस करके मूवमेंट नहीं आ रही है, तो ये कुछ कुछ रीज़न हो सकते हैं, तब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बट अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट आती है तो वो हेल्दी प्रेगनेंसी, फिर आपको डरना नहीं है। अब जब मूवमेंट नहीं आती फिर क्या करना है, फिर आपने कुछ मीठा खा लेना, जैसे मान लीजिए आपने लंच किया, लंच करने के बाद आपने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद अपने कमरे में आप सोने जाते हो, बट उसे खाना खाने के तुरंत बाद सोए ना, थोड़ा सा आप टहलें, सैर करें, उसके बाद बेड पे जाएं, बेड टाइम दें, बेड रेस्ट जिसे बोला जाता है ना, उस टाइम पे आप सोने की कोशिश करें, मगर कुछ मीठा खा लें, जैसे चॉकलेट खा लें, कॉफ़ी पी लें, जो भी आपका मन करता है मीठा खाने का। कई ऐसे बार होता है ना, कई बार मदर कुछ ऐसा खाना खाती है जिससे बच्चा ना मूवमेंट करके दिखाता है, यानी कि वो चीज़ बच्चे को टेस्टी लग रही है, स्वाद लग रही है, तो ऐसा अगर कई मदर के साथ होता, कई मदर्स को दूध पीती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा किक करता है, कई मदर्स कुछ जैसे उनका टेस्टी फूड जो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है खाने की, वो खाने के बाद बच्चा मूवमेंट करता है, तो ऐसा कुछ अगर आपके साथ है तो वो चीज़ खाएं, बच्चा मूवमेंट ज़रूर करेगा। बट ऐसा बोला जाता है बच्चा मूवमेंट नहीं करता तो कुछ मीठी चीज़ खाएं, उसके बाद बेड रेस्ट करें और पेट पर हाथ फेरें, 5 से 7 मिनट हाथ फेरे, घर में शांति हो, कमरे में शांति हो, जिस रूम में आप हो, और बच्चा उस टाइम पे आपको ज़रूर मूव करके दिखाएगा। करना कब है, जब आप खाना खा लेते हो, चाहे रात का चाहे दिन का, कभी भी लंच करने के बाद या डिनर करने के बाद जब अपने रूम में जाते हो तो कुछ मीठा खाएं, थोड़ा सा टहल लें, उसके बाद अपने जब बेड पे जाओगे ना तो बच्चा आपको मूवमेंट ज़रूर करके दिखाएगा। बहुत अच्छा ये टाइम होता है। वैसे भी जब प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना स्टार्ट हो जाए तो अपने बच्चे को टाइम ज़रूर दें, बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है ना तो बाहर की जो आवाज़ें हैं उसको भी वो सुन सकता है, उसके अंदर वो चीज़ों की ताकत हो आ जाती है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है अच्छे से ग्रो हो रहा है, और उसकी जो बॉडी में है ना वेट गेन हो रहा है, जितना अच्छा उसका वेट गेन होगा उतने ही ज़्यादा वो मूवमेंट करेगा, क्योंकि माँ का पेट उसे फिर छोटा लगने लग जाता है, उसको ये होता है कि वो कब बाहर आए। जैसे जैसे 9वां महीना आ जाता है आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, रात में नींद नहीं आएगी, ऐसा भी होता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे की वेट पे, बच्चे की ग्रोथ पे, ठीक है। अब बात करते हैं लड़का या लड़की, देखिए ये सब एक ओल्ड वाइव्स हैं, ये मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि साइंस इस चीज़ को नहीं मानता, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बता दे प्रेगनेंसी में। तो किसी की भी अगर बात सुनते हैं, प्रेगनेंसी की स्टोरी सुनते हैं, तो अपने से कंपैरिजन मत करें, क्योंकि सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो किसी की भी स्टोरी सुनते हो तो उसे इंजॉय करें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से इंजॉय करें, और कुछ गलत भावना मत लाए कि लड़का या लड़की जो भी हो हेल्दी हो नॉर्मल हो, यही एक सबसे बड़ी बात प्रेगनेंसी की होनी चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हलचल को लेकर जो मदर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं उन सभी के उनको आंसर मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें, बाय बाय।